गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में सेक्शन डी प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए वो हैं फिल्ट्रेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी। कंपाउंड प्योर है कि नहीं ये उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से चेक किया जा सकता है। सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। एक प्योर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, जबकि इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। इसी तरह लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से उसकी प्योरिटी को चेक किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें क्रोमैटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से भी प्योरिटी को चेक किया जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स में से फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम सॉल्युबल कंपोनेंट इन द गिवन सॉल्वेंट। आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक डिसॉल्व कर जाता है जबकि दूसरा इनसॉल्युबल होता है। तो आप एक सूटेबल सॉल्वेंट में उस मिक्सचर को डालेंगे और फिर एक फिल्टर पेपर का कोन बना के फनल में उसको रखेंगे और फिल्टर करने के लिए डाल देंगे। अब क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर्स से सॉलिड इम्प्योरिटीज नहीं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो नहीं मूव कर पाता है, तो वो ऊपर कोन में रह जाता है, जबकि जो दूसरा सॉल्युबल कंपोनेंट है वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में नीचे अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल नैप्थलीन और यूरिया का मिक्सचर को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, यूरिया डिसॉल्व कर जाएगा जबकि नैप्थलीन नहीं, और फिल्टर करके सेपरेट किया जा सकता है। यूरिया हमें फिल्ट्रेट में मिल जाएगा, नैप्थलीन ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो फिल्टर पेपर को फ्लूटेड फॉर्म में कोन बनाया जा सकता है, जिससे कि प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है फिल्ट्रेशन का। इसी तरीके से एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड के मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके फिल्टर करते वक्त, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की रेंज में होता है, तो वो फिल्टर होते होते ही सॉलिडिफाई हो जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए इसको हॉट वाटर जैकेट में, हॉट वाटर की प्रेजेंस में रखा जाता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन के दौरान वो फ्रीज ना करे और सॉल्यूशन हॉट फॉर्म में रहे और फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो। तो ये जो जैकेट है इसको बर्नर के साथ हम साइमल्टेनियसली हीट करते रहते हैं और हॉट वाटर सॉल्यूशन को हॉट रखता है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को और फास्टन करने के लिए हम बकनर फनल यूज़ कर सकते हैं जो कि सक्शन पंप से कनेक्टेड होता है। बिकॉज ऑफ सक्शन एंड बकनर फनल दिस प्रोसेस गेट्स स्पीडेड अप। सो दिस इज फिल्ट्रेशन टेक्निक। द नेक्स्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन solubility of organic compounds and its impurities in a suitable solvent. So recrystallization में हम एक impure crystal को pure करने के लिए उसको पहले solvent में dissolve करके filter कर लेंगे, और filtration के process के दौरान impurities जो हैं वो ऊपर रह जाएंगी। जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है उसको चाइना डिश में लेकर हम हीट अप करते हैं। अब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगी, और क्योंकि जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाती है उस टाइम ठंडा करने पर ये जो सॉल्यूट है जो कि ठंडा करने पे कम डिसॉल्व होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। चेक करने के लिए कि ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच गया है कि नहीं, आप स्टरर जो कि क्लास रॉड है उसके ऊपर ब्लो करके अगर कुछ सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो दैट मींस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है। ये जिस सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है जिसको प्योरीफाई करना है, उसकी चॉइस के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो
कंपाउंड है जिसको प्योरीफाई करना है वो रूम टेम्परेचर पे स्पेयरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, कम सॉल्युबल होना चाहिए और हायर टेम्परेचर पे फेयरली ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। इसी तरह ठंडे करने पे उसके क्रिस्टल बन जाने चाहिए। सॉल्वेंट जो है वो कंपाउंड जिसको प्योरीफाई करना है उसको तो डिसॉल्व करें लेकिन इम्प्योरिटीज़ को ना करें, सॉल्वेंट उससे रिएक्ट ना करें। और जब हम क्रिस्टल्स बना लेते हैं उसके बाद सॉल्वेंट के को रिमूव करना आसान हो ऐसा सॉल्वेंट चूज़ किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आने के बाद जब क्रिस्टल्स जम जाएंगे फिर मदर लिकर को डीकैंट ऑफ कर देंगे, क्रिस्टल्स पीछे रह जाएंगे, उनको वॉश करके ड्राई करके उसके बाद ऑब्टेन कर लिया जाता है। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा जबकि उसकी इम्प्योरिटीज फिल्ट्रेशन के दौरान रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। इसमें हम उन कंपाउंड्स को प्योरीफाई करते हैं जो सब्लाइमेबल होते हैं, जिन जो सब्लाइम हो सकते हैं जबकि उनकी इम्प्योरिटीज सब्लाइम नहीं हो सकती। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड गर्म करने पे डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है और कूल करने पे उसके वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो हम सैंड बाथ में डिश में वो कंपाउंड ले लेंगे जैसे कि कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन या बेंजोइक एसिड जो कि सब्लाइमेबल हैं और उसको हीट करेंगे यूजिंग सैंड बाथ। तो हीट करने पे उसके वेपर्स सब्लाइम करते हैं लेकिन फनल, इन्वर्टेड फनल जो उसके ऊपर रखा है उसमें ऊपर जाके कंडेंस होके वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं। कॉटन प्लग रखा है सो दैट ये कंपाउंड एस्केप ना करे। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाएगी जबकि कंपाउंड सब्लाइम होके और रिकंडेंस करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सब्लाइमेबल सॉलिड्स लाइक कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन। ये मेथड यूज़ करते हैं हम उन लिक्विड्स की प्योरिफिकेशन के लिए जो बॉयल ओवर कर सकते हैं बिना डीकम्पोज हुए जबकि उनके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नॉन वोलाटाइल होती है और वेपर फॉर्म में नहीं आती है। तो इसके लिए हम फ्लास्क में लिक्विड लेकर उसको बॉयल ऑफ करेंगे, उसको कंडेंसर से अटैच किया है तो जो वेपर्स वेपर्स यहाँ से पास करते हैं वो इस कंडेंसर में कंडेंस होकर ठंडे होकर लिक्विफाई हो जाते हैं और यहाँ फिल्ट्रेट प्योर लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है जबकि इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाती हैं। हीटिंग के दौरान हम पोर्सलेन के पीसेस डालते हैं ताकि बम्पिंग ना हो। इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस है जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ईथर और टॉलुइन, बेंजीन और एनिलीन। इसके अलावा हम प्योरीफाई करने के लिए लिक्विड को इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देन समटाइम्स आपके जो दो लिक्विड्स हैं जिनका मिक्सचर है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो फ्लास्क के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, सभी का पर्पज़ यही होता है कि ज़्यादा सर्फेस एरिया मिले ताकि जो वेपर्स है उनको कूल डाउन होने का मौका मिले, कूल डाउन होके कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में चेंज करने का मौका मिले। तो अगर आपके पास दो लिक्विड्स ए और बी हैं और ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जब बॉयल होके वेपर फॉर्म में आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाते हुए लिक्विड बी जो वेपर फॉर्म में उसको ठंडा करता जाएगा क्योंकि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। ए वेपर फॉर्म में जाएगा जबकि बी कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आएगा। इस तरह से पहले ए ऑब्टेन होता है और ए को बी से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल कंडेंसर है जिससे कंपोनेंट ए विच इज़ मोर वोलेटाइल उसको कंडेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होने की वजह से जो कूलिंग सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाती है और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो पाते हैं। सो
fractionating column provides more surface for heat exchange and obstructions to the ascending vapors and descending liquid. Ascending vapors को ऊपर जाने में obstruction pose आती है और descending liquid को नीचे आने में obstruction pose आती है, जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे से separate किया जा सकता है. तो less volatile liquid जो है वो उसके vapors rise तो करते हैं लेकिन obstructions की वजह से fall back कर जाते हैं, जबकि more volatile liquid पहले obtain हो जाते हैं. नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. कुछ केसेस में हमारे लिक्विड्स जो हैं वो इससे पहले कि अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे वो डिकम्पोज कर जाते हैं. तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम उनकी डिस्टिलेशन कराते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. तो इस तरह के अपरेटस में हम क्लेजन फ्लास्क लेते हैं जिसकी दो नेक्स होती हैं और एक स्क्रू होता है जो एयर प्रेशर को एडजस्ट करने में हेल्प करता है. और इसको हमने सक्शन पंप और वैक्यूम पंप और मैनोमीटर से अटैच किया होता है. तो वैक्यूम पंप की मदद से हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं और जो हमारा लिक्विड है वो रिड्यूस प्रेशर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल ओवर हो जाता है और वेपर फॉर्म में यहाँ आ जाता है, जिसको कि कंडेंसर से कूल करके ऑब्टेन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरोल नॉर्मली 563 केल्विन पे बॉयल करता है, इस टेम्परेचर तक पहुँचते वो डीकम्पोज कर जाएगा, लेकिन अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तब वो कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा और डिकम्पोज नहीं करेगा और अनडिकम्पोज्ड हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. नेक्स्ट टेक्निक स्टीम डिस्टिलेशन है. तो कई बार हम स्टीम को यूज़ करते हैं लिक्विड्स की प्योरीफिकेशन के लिए, जब ऐसे लिक्विड्स होंगे जो स्टीम से वोलेटाइल वेपर्स में कन्वर्ट हो पाते हैं. सो प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू प्योरीफाई सब्सटेंसेस विच आर वोलाटाइल इन स्टीम एंड आर नॉट मिसेबल विद वाटर. जब हमारा फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा तो उसकी दो लेयर्स आएंगी और क्योंकि वो वाटर में मिसेबल नहीं होगा, तो उन कंपोनेंट्स को हम स्टीम डिस्टिलेशन से नहीं बॉयल ओवर कर सकते जो कि वाटर में मिसेबल होते हैं. तो ये हमने एक कंटेनर में स्टीम बनाई, उस स्टीम को इस लिक्विड जिसको कि हमने प्योरीफाई करना है उसके थ्रू पास किया. तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम जो ये लिक्विड है ये जल्दी वोलेटलाइज हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, जिसको कंडेंस करके हम यहाँ ऑब्टेन करते हैं. साथ में स्टीम भी कंडेंस होती है लेकिन दोनों की लेयर्स अलग अलग बन जाती हैं और फिर बाद में हम इसकी सेपरेटिंग फनल में कर लेते हैं. दो अलग अलग लेयर्स बनेंगी, एक लेयर को पहले निकाल लेंगे, दूसरी लेयर रह जाएगी. तो इस तरीके से स्टीम डिस्टिलेशन में हम स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. तो टोटल प्रेशर जो है दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ स्टीम. तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो वेपराइज कर जाएगा लोअर टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले और इस तरीके से जो है हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं. देन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड जो है इसको हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो डेंसिटी में एक्वा सॉल्यूशन से डिफरेंट होता है और जो हमारा कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है दैन इन एक्वस सॉल्यूशन. बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो वाटर से इमिसिबल होना चाहिए ताकि दोनों की सेपरेट लेयर्स बने. ये हम सेपरेटिंग फनल में करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो कि एक्वस वाटर में डिजॉल्व है उसमें वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे जिसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल है और फिर हम इसको शेक करेंगे और स्टैंड होने के लिए रख देंगे. तो जो सॉल्वेंट कंपाउंड है वो वाटर से इसमें डिजॉल्व होकर आ जाता है. तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हमारे सॉल्वेंट लेयर में आ गया है. तो जब हम ये स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो वाटर पहले निकल जाएगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर रह जाएगा और कंपाउंड भी उसमें होगा. तो ऐसा हम नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं ताकि सारा का सारा कंपाउंड एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में आ जाए और बाद में फिर हम इसको
वाटर बाथ में हीट अप करके सॉल्वेंट को अलग कर लेंगे और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल हो तो हमें बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। तो इसका भी हमने हल ये निकाला है कि उसी सॉल्वेंट को हम बार बार रिसाइकल करके यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। देन नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स और टू प्योरीफाई कंपाउंड्स और टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो बहुत कम छोटा सा मिक्सचर भी होगा उसके भी कंपोनेंट्स को इस टेक्निक से हम आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये जो नाम है क्रोमैटोग्राफी, इसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सबसे पहले इस टेक्निक को हमने कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमैटोग्राफी। तो इस टेक्निक में जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है जिनको हमने सेपरेट करना है, उनको हम स्टेशनरी फेस पे इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर मोबाइल फेस के थ्रू उन कंपोनेंट्स को मूव कराते हैं, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो डिफरेंट होता है, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो अब ये जो टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी है, इट मे बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, तब इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, और पार्टीशन, तब इसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन, वेयर एज पेपर क्रोमैटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन पार्टीशन। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है और सेपरेट हो जाता है। इसमें जो एड्सॉर्बेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिना होता है। तो एक एक करके हम करते हैं, पहले करेंगे कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो इसमें हम एक ग्लास कॉलम में हम एक एड्सॉर्बेंट को डाल के सोलिडिफाई कर लेते हैं, जैसे सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल ले लिया, ये हमारा स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। फिर हम उसमें मिक्सचर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब उस मिक्सचर में अगर मान लीजिए कंपोनेंट्स ए बी और सी हैं, तो जो हैं वो उनकी जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डिफरेंट है। तो ये हो गया स्टेशनरी फेज पे हमने मिक्सचर डाल दिया। उसके बाद हम एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें ये डिफरेंट एक्सटेंट तक जो हैं डिसॉल्व करते हैं, वो सॉल्वेंट इन तीनों कंपोनेंट्स को मूव कराएगा, लेकिन रेट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होगा। तो अब ये कंपोनेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो जो कंपोनेंट ए है वो ज़्यादा एड्सॉर्ब करता है तो वो ऊपर रह जाता है, जो कम एड्सॉर्ब करते हैं वो सॉल्वेंट की मूवमेंट के साथ नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ए बी प्लस सी से अलग हो जाएगा, और सॉल्वेंट डालते जाएंगे तो बी और सी भी एक दूसरे से अलग होते जाएंगे, और इवेंचुअली जब ये सेपरेट होते हैं तो पहले सी को निकाल लिया, फिर बी को, फिर ए को, इस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। जिस सॉल्वेंट को हम डालते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, उसको एलुएंट कहा जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एड्सॉर्बेंट विच इज स्टेशनरी फेज। द कॉलम इज फिटेड विद अ स्टॉप कॉक एट इट्स लोअर एंड एंड इट्स फिटेड विद ग्लास वूल ऑल्सो। So the mixture is adsorbed on adsorbent is placed on the top of adsorbent column packed in a glass tube and an appropriate eluent is introduced or is allowed to flow down the column slowly. So depending upon the degree to which the compounds are adsorbed, complete separation takes place. The most readily adsorbed substances are retained near the top, whereas less readily adsorbed go down. So this is how column chromatography में हम components को separate कर सकते हैं। इसी तरह thin layer chromatography में एक glass slide के ऊपर हम silica gel को coat कर देंगे, एक उसकी layer बना देंगे, और उसकी layer में एक 2 centimeter ऊपर एक baseline बनाएंगे और वहाँ अपना spot introduce करा देंगे। फिर उस spot को हम एक mobile phase में dip कर देंगे, तो जैसे जैसे solvent ऊपर की तरफ rise करेगा, ये जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को डिफरेंटली मूव कराएगा ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए।
सो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इसको हम TLC भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एन एडसॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट. सो थिन लेयर अबाउट 0.2 मिलीमीटर थिक ऑफ एड्सॉर्बेंट सिलिका जेल और एलुमिना इज स्प्रेड ओवर द ग्लास प्लेट ऑफ सूटेबल साइज. द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफिक प्लेट और क्रोमैटो क्रोमो प्लेट. द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउट द एंड ऑफ TLC प्लेट. द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड जार कंटेनिंग द एलुएंट. एज द एलुएंट राइजेज अप द प्लेट, द components of mixture move up along with the eluent to different distances depending upon the degree of adsorption and separation takes place. The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in terms of retardation factor or RF factor. RF factor is distance moved by substance from baseline upon distance moved by eluent from the baseline. तो ये हमारी plate है, इसमें हमने silica coat कर दिया, ये जो है स्पॉट मिक्सचर का लगा दिया है, ये बेस लाइन है. तो मान लीजिए वो डिस्टेंस जो स्पॉट है इतना डिस्टेंस मूव किया है, इस डिस्टेंस को बेस लाइन से इतना डिस्टेंस एक्स कहला रहा है और सॉल्वेंट इतना मूव किया है ये वाई कहला रहा है. तो RF जो है ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई. ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए इतनी फिक्स्ड वैल्यू होती है कि RF की वैल्यू से हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. So this technique is called thin layer chromatography. Partition chromatography में हम for example chromatographic paper को या roll करके या सीधे slide standing position में attach कर देंगे stand के साथ और फिर उसमें mixture जिसको separate करना है उसको baseline से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगा देंगे और फिर उसको सॉल्वेंट में डिप कर देंगे और जैसे जैसे वो राइज करेगा कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कर देगा. और इस तरीके से यहाँ भी जो है जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है. तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक्स है जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई किया जाता है. दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.